पूरे देश के अंदर 21 जून से प्रारंभ हो रहे निःशुल्क टीकाकरण के वृहद अभियान के संदर्भ में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर और देश और प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि जिसने कोरोना का टीका नहीं लगाया है वह लोग टीकाकरण करा करके अपने आप को कोरोना वायरस से रक्षित करें व समाज को सुरक्षित करें। रवि किशन शुक्ला ने कहा कि किसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस से बचने के लिए टीकाकरण संजीवनी के समान सुरक्षा कवच है। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर अपील किया है कि कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है, हमें सावधानी अपनाने की जरूरत है, हम सब की थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़े संकट में डाल सकती है। समाचार पत्रों के माध्यम से व मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आगामी 5 से 6 हफ्ते के उपरांत तीसरी लहर का सामना संभावित है। ऐसी सूरत में हमें पूरी सावधानी अपनाते हुए हम सभी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण सुनिश्चित कराएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़भाड़ के स्थान पर जाने से बचें, अपने को सुरक्षित रखें, अपनों को भी सुरक्षित रखकर समाज और लोगों को भी सुरक्षित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, नमस्कार, मैं हूँ सांसद रवि किशन शुक्ला, गोरखपुर। टीकाकरण हो रहा है, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क जरूर पहने। अभी मैं बोल रहा हूं तो इस वक्त एकांत में हूं तो मैं मास्क नहीं पहना हूं, लेकिन आप लोग मास्क जरूर पहने। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी है, तीसरी लहर का भी लोगों ने अंदेशा बता दिया है, एम्स के बड़े डायरेक्टर ने बताया, तो आप लोग उस पर जरा गौर करिएगा। टीकाकरण हो रहा है, 21 तारीख से एक मुहिम 18 साल से ऊपर भी सभी लोगों को टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र में टीका लग रहा है, आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि टीका मुफ्त सरकार के द्वारा केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी, राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है, तो टीका जरूर लगाएं। ये नहीं कि भैया हम टीका ना लगवाए भी टीका में जहर वही सब कुछ नहीं। आपने देखा है कि जो विरोधी दल थे जो उसको विरोध कर रहे थे वो भी टीका लगा रहे हैं, उनके दिग्गज नेता भी लगा रहे हैं। ये सुरक्षा कवच है, मैंने 2 डोज गोरखपुर में लगवा लिए, आप लोग भी लगवाएं। और स्वास्थ्य केंद्र से है, ये सुरक्षित है, आप लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पर तवज्जो दी है, गौर किया है। टीकाकरण आप लोग जरूर लगाएं, या आप लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आसपास के लोगों को भी आप सुरक्षित रखेंगे।